चिलम का सर्वे आदर्श मानते हैं? गुड़ से अच्छा आदमी रहे, बहुत सुंदर आदमी था। अच्छा तो बाकी लोग मंदिर बना हुआ था, तुम मंदिर लगा लो भगवान के बदला गुड़ से के पूजा। राम जी किसे आ जाएंगे ना? गांधी जी का ही दोस्त नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे का पुण्य तिथि मन रही है, आरएसएस के लोग मना रहे हैं। नाथूराम गोडसे मार के उनको बहुत अच्छा काम किया, उनको उनको आजाद आजाद करवा दिया। गांधी जी नामे नाम नाम कमा लिए, नाथूराम अकड़ा के नाम कमा लिया, उनको गोली मार दिया। तो उसका भी नाम बराबरे ले लिया जाता है कि नाथूराम गांधी जी को मार दिया है ना। तो अच्छा काम करने वाला का भी नाम है या खराब काम करने वाला का भी नाम है। गांधी बनिए रहस तुमका के गोली काहे मरलन सो देश आजाद भेल के बाद। अच्छा गांधी ई बात नै कहले रहलन नाथूराम गोडसे के अपने प्रश्न नहीं। हमारा क्वेश्चन आपसे यही है कि आजाद भेल के बाद काहे मरलन सो के तो पहिलहु मार सकतलन सो। नाथूराम गोडसे का जो कन्फ्यूजन है वो मैं बता रहा हूँ। नाथूराम गोडसे जब गोली मांगने गए थे तो उसके पहले चरण स्पर्श करके नहीं, वो तो मारने माला पहना करके तब गोली मार। पहली बात, अगर उस व्यक्ति को वाकई नफरत होता उस व्यक्ति से, गांधी के सिद्धांत से नफरत, किसी के सिद्धांत से किसी को नफरत हो सकता है, विरोध किसी का हो सकता है, लेकिन नाथूराम गोडसे का गांधी से कोई विरोध नहीं था। राखी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ तहाँ उबारे अंग, तहाँ उबारे अंग, झपट कुत्ते को मारे। कह गिरधर कविराज सुनो हो घर के पाठी, आ सब हथियारन छोड़ हाथ में लीजो लाठी। अंत में जैसे मने औषधम जहानवी तोयम वैद्यो नारायण भगवान वैद्य होलन आ औषधि होला गंगा जल, वैसे ही अंत में लाठिए सहारा हो, लाठिए पर आदमी चलल, तब बंदूक पिस्तौल भाला तलवार सब बेकार हो जाला, अंत में लाठिए काम आवेगा। गांधी जी यही चलते लाठी लेके घूमत। हाँ लाठी बहुत बड़ी चीज बा। ए गांधी जी बेमी फोल्ट रहे, मीठा चोरा के खात रहसु मीठा, आ लोग के कहत कि चीनी मत खाइए, अपने मीठा गप गप खा, आ दूसरा के मेहू पर कन्हा पर रख। हाँ हाथ रख ले, हम देख ले। आ पर बंदर में गए तो एगो मेहरारू से धरा गए। तम यार जी आप बताइए, गांधी जी खराब आदमी थे? हाँ हाँ हाँ। क्या खराब आदमी थे? अभी नहीं, बाद में बाद में बताइएगा। हाँ अभी काहे नहीं बताइएगा? अभी बच्चा सब है ना, तो बच्चा सब के सामने खराब बात नहीं बोलने का। खराब बात बोलेंगे तो क्या होगा? बुरा याद आएगा। गांधी जी बहुत गंदा आदमी थे। गंदा आदमी थे तो अच्छा आदमी कौन है आज के दुनिया में? आप है। क्यों नोट वाप पढ़ते तुम उनका, तुम क्यों उनका फोटो देखते सवेरे सवेरे? मुँह गांधी जी के बारे में जिसने बुराई किया है वो खुद देवड़ा होगा सारा। धर्माइये के बंद कर, मैं चुप साला भाई बंद कर। चना खा के दिन निकाला उन्होंने। अरे चोले नाम खराब करने वाले तो कुछ बोलेंगे, चोले में रहते थे, इधर रहते थे, उधर रहते थे। व्हाट्सएप पर डाल लिया मनसन की गांधी जी खिसिया के भागत हन की मोदी तू संभाल ले सब जगह, तो तू आ गया, अब नोट में भी आ जा। मैं दे दे मैं गांधी जी हैं बुरा बनिया उपाय डाल देते हैं बाडी, मोदी जी दूते नहीं डरे। जल योजना कौन चला था? ए जो पंचायत में जो पंचायत में पूरा धार हुआ था, किसी का कुछ एक रुपया मिला है नहीं, खाने के नहीं कुछ भी, नल मिला है उसका नहीं मिला, नहीं मिला था। अब पानी कैसे पिया था? कहत रहा कि कौन चला तो जला दे सूख जात लख, अब हाउ टंकी का
तू अभी काहे गुस्सा कर रही इनका ऊपर? आए मोदी के उल्टा सीधा बोलना ना है चलते, मोदी उतना हम लोग के अथी कैला खाए चलते। काथी कर लख मोदी? मतलब हमने के मोदी उतना सुविधा दे लख तब वो मोदी के उल्टा सीधा बोला थवन। गांधी जी के जान ल? हां गांधी जी काथी रह? सत्यवादी लन सब लोग मानता है, हम भी उनको मानते हैं। एक सेकंड काटेंगे इनका बात राजू। देश मानता था, नयका जनरेशन आपको नहीं मानता है, इस चीज़ को भी मानिए आप। गांधी जी का 150 साल पूरा हुआ है, उस पर आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 का सिक्का देश को समर्पित किया है, शायद आपको ये बात मालूम नहीं होगा। तो हमारे जनरेशन के प्रधानमंत्री जिसको हम लोगों ने चुन के भेजा है वो मान रहे हैं। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. आइए गांधी जी के 150वें जन्मदिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा जी, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। मोदी जी बुद्धिजीवी नहीं है, मोदी जी विद्वान भी नहीं है। मोदी जी के पास अगर कोई एक चीज़ है तो वो है डिजर्विंग पावर, जिसको साहस कहते हैं। और अब तक जो भी वो किए हैं वो साहस के बल पर ही किए हैं और यही उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। हाँ ये अलग बात है कि कुछ ईमानदारी है उनकी, ईमानदारी इस मामले में है कि अगर आप सही आदमी हैं तो आपको हम रखेंगे। मोदी के आसपास जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हजारों की संख्या में, जिसको मोदी ने खुद सिलेक्ट किया है और सब मोदी की तरह ही सोचने वाले हैं, उसको ये डर नहीं है कि अगला चुनाव हम हारेंगे कि जीतेंगे। अगर इस बात का उसको डर होता तो न तो वो नोटबंदी कर पाता, न GST लगा पाता, न 370 हटा पाता हो। और ये इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि इसके पहले के प्रधानमंत्री के कल्पना से बाहर की बात थी और हमारे जैसे लोग कभी कल्पना नहीं किए थे कि ऐसा ऐसा काम हो सकता है। इसे जय मोदी जी। मोदी जी कैसे लीडर है? बढ़िया। गांधी जी वो अच्छा नहीं थे। गांधी जी अच्छा नहीं है? नहीं थे। गांधी जी के जाने लगा? हाँ। कहाँ रहस गांधी जी? गांधी जी रलन हमने के स्कूल, मतलब हमने के दांडी नमक के जन, हमने के दांडी नमक बा ओला लड़ाई के ले लगा। गांधी जी के बारे में जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, हाँ। गांधी जी हमारे देश में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। एक पिता में जो जो गुण पाया जाता है वो सब कुछ गुण महात्मा गांधी में पाया गया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया। राष्ट्र का पति भी होंगे? नहीं राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता उनको कहा। राष्ट्र का जितना भी पत्नी है उसका पति थे ना? पति या पिता में अंतर है? काहे पति और पिता मैं हुई तुम को पति हो। हम किताब में लिखना शुरू करें और हम चौराहे पर बोलना शुरू करें कि सूर्य की रोशनी चंद्रमा की रोशनी से भी शीतल है, तो सूरज की रोशनी के क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल। ये जितने लोग कह रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं आने वाले समय में, और अभी भी कोई मतलब नहीं। अच्छा गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? गांधी जी थे, अहिंसा आंदोलन किए, स्वतंत्रता दिलाए देश को। गांधी जी बेकार आदमी थे, हम कभी गांधी जी का सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे गांधी जी को और चला, अरे लाठी ले ला हाथ में, काठी ले ला, अरे कपड़ा उपड़ा भेज दे और धोती पहन ला। ओकर बात है गांधी। मैं गायिका खुशबू उत्तम अपने पूरे टीम के तरफ से समस्त भारतवासियों को
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती की हार्दिक बधाई देती हूँ। जय हिंद। अहिंसा का नारा था बापू का हथियार, जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार। सत्य अहिंसा का नारा था बापू का हथियार, जाग उठी आवाम भरी जब बापू ने हुंकार। डोल गई अंग्रेजी हुकूमत, डोल गई अंग्रेजी हुकूमत बिना गोली तलवार। चढ़ाएं फूलों के हम हार है राष्ट्रपिता भार, चढ़ाएं फूलों के हम हार है राष्ट्रपिता भार। ऐसे महात्मा गांधी जो है भगवान के दृष्टि थे, रामचंद्र जी के बराबर थे और थोड़े दिन में ये जनरेशन जब खत्म होगा तो उनका भी पूजा होगा।